हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल रुतबा खान किचन। अगर आपने मेरे चैनल रुतबा खान किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लाए हैं चिकन रेसिपी। ये लाहौरी चिकन कढ़ाई बनाएंगे हम। हमने लिया है 400 ग्राम चिकन। इसको हमने धोकर साफ कर लिया है और नमक लगाकर, हमने आधा चम्मच नमक लगाकर इसको रख दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे हम 2 चम्मच। 3 चम्मच हमने ली है क्रीम, मलाई ले ली है हमने होममेड, और 3 चम्मच लिया है हमने दही। 3 बड़े टमाटर ले लिए हैं, इसको हमने स्लाइसिस में कट कर लिया है। 2 हरी मिर्च ले ली है, इसको हमने रफली चॉप कर लिया है, और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया है, इसको जूलियन कट में कट कर लिया है। 1/2 चम्मच लिया है हमने गरम मसाला पाउडर, 2 चम्मच लिया है हमने धनिया पाउडर, और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। काली मिर्च ले ली है हमने 1/2 चम्मच साबुत, उसको हमने क्रश कर लिया है। लाल मिर्च पाउडर लिया है हमने, या कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है हमने 1 चम्मच। 1 चम्मच लिए हमने कसूरी मेथी। हम ले लेंगे 1 कढ़ाई, और इसमें डालेंगे हम चिकन, और 2 चम्मच डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। ये भर भर कर डालेंगे हम, और डाल देंगे हम हल्दी, और टमाटर डाल देंगे, और इसको करेंगे हम मिक्स। एक कटोरी डालेंगे हम इसमें पानी, एक चम्मच डालेंगे हम इसमें देसी घी, और रिफाइंड ऑयल डालेंगे हम जिससे खाना बनाते हैं, वो 1 चम्मच भरकर हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। अब फ्लेम ऑन करेंगे और हम इसे पकने रखेंगे। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है और इसे रख दिया हमने पकने के लिए। कवर कर देंगे हम इसको लिड से। चिकन को पकते हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे खोल कर देख लेंगे। इसमें थोड़ा पानी सूख गया है, थोड़ा रह गया है, बाकी का हम इस पानी में चिकन को भून लेंगे। खोल कर ही भूनेंगे हम इसे, कवर नहीं करेंगे। और इसके साथ ही टमाटर भी भुन जाएंगे अच्छे से। चिकन में हमारा थोड़ा पानी रह गया है। अब डाल देंगे हम मसाले, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, और गरम मसाला। और इस मसालों के साथ हम इसे भूनेंगे। अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। फ्लेम को करेंगे हम स्लो, और स्लो फ्लेम पर हम इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि मसालों की स्मेल इसमें ना रहे और वो अच्छे से भुन जाए। इस स्टेज पर आकर आप नमक इसमें टेस्ट कर लें, अगर नमक कम हो तो आप और डाल सकते हैं। चिकन में ऑयल रिलीज होने लगा है। अब डाल देंगे हम हरी मिर्च और अदरक जो हमने काट कर रखे थे। और डालेंगे हम क्रीम और दही। और अब इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे हाई फ्लेम पर। एक लिड से हम इसे कवर कर देंगे और इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये पूरी तरह से भुन ना जाए। अब चिकन को हम खोल कर देख लेंगे।
और इसमें ऑयल रिलीज होना शुरू हो गया है। अब इसे हम अच्छे से इसके फोल कर बुनाई करेंगे। अब डाल देंगे हम कसूरी मेथी। हमने इसको थोड़ा सा क्रश कर लिया है हाथों से और इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ये भुन रही है। खूब भुनना है हमें इसे, जितना भुनेंगे उतना ही इसमें टेस्ट ज़्यादा आएगा। इसे चलाते रहें बराबर, वरना ये नीचे लग जाएगा। थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें हरे धनिया आधी कटोरी। और इसको हम मिक्स कर लेंगे हरे धनिया को। ये देखिए ये कितना अच्छा चिकन कढ़ाई बना है। बस फ्लेम को हम करेंगे ऑफ और इसे करेंगे हम डिश आउट। अब करेंगे हम डिश आउट। ये देखिए कितनी अच्छी चिकन कढ़ाई बनी है हमारी। तो ये तैयार है हमारी लाहौरी चिकन कढ़ाई। बहुत ही यम्मी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा डिलीशियस। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।